दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि भारत में हर साल 6,600 किसानों की मौत होती है पेस्टिसाइड की वजह से, यानी कि कीटनाशक दवाओं के असर की वजह से। पूरी दुनिया में एक साल में 11,000 किसानों की जान जाती है पेस्टिसाइड की वजह से। इनमें से अकेले भारत में 60% किसानों की मौत होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया के बाकी देश हैं वहां पर उनको बैन कर दिया है। तो भारत में कौन से 7 सबसे जहरीले पेस्टिसाइड है जिनका इस्तेमाल आज भी भारत के किसान करते हैं, और ये पेस्टिसाइड उनके लिए जानलेवा साबित हुए हैं और हमारे जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारत में कब से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, केमिकल पेस्टिसाइड का, और केमिकल पेस्टिसाइड का इतिहास कितना पुराना है। क्या 4,500 साल पहले पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते थे, ये भी आपको बताएंगे, और वो होते थे तो किस तरह से इस्तेमाल होते थे, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कौन से वो 7 ऐसे पेस्टिसाइड है जो बहुत जहरीले हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे, आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे केमिकल पेस्टिसाइड की, यानी कि कीटनाशक की, जो भारत के किसान इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, भारत में बड़े पैमाने पर किसान केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए लापरवाही बरतते हैं या केमिकल पेस्टिसाइड के जहर के असर से हर साल लगभग 6,500 से ज़्यादा भारत के किसान अपनी जान गंवाते हैं एक साल में। तो भारत में दोस्तों पहली बार 1948 में केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू हुआ, और भारत में 1952 में पहली बार केमिकल पेस्टिसाइड का उत्पादन शुरू हुआ, यानी कि भारत में 1952 में कीटनाशक बनना शुरू हुए, और वो जगह थी कोलकाता जहां पर केमिकल पेस्टिसाइड का उत्पादन पहली बार शुरू हुआ था। और केमिकल पेस्टिसाइड का इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इतिहास इसका 4,500 साल पुराना है। दोस्तों, ऋग्वेद की माने तो 4,000 साल पहले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता था, लेकिन उस वक्त के जो पेस्टिसाइड थे वो केमिकल नहीं थे, किसी दूसरे तरीके के थे। वो कौन से थे वो आपको बताएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं 4,500 साल पहले पेस्टिसाइड की अवधारणा की, यानी कि 4,500 साल पहले भी लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते थे, उनको इसकी समझ थी। तो अब जो पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं वो है केमिकल पेस्टिसाइड। ज़्यादातर जो किसान इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड है, लेकिन जो आजकल ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों होता है वो है रासायनिक कीटनाशक का। तो रासायनिक कीटनाशक क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर रासायनिक कीटनाशक है क्या चीज़ और ये कब इस्तेमाल होना शुरू हुए। दोस्तों, भारत में रासायनिक कीटनाशक है वो 1948 से शुरू हुए, लेकिन पूरी दुनिया में इससे पहले, यानी कि करीब 4,500 साल पहले रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल होता था। वो फॉर्म अलग थी, यानी कि उस वक्त रूप अलग था, लेकिन ऐसे रसायन थे जो इस्तेमाल किए जाते थे कीटों को मारने के लिए। ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है प्राचीन, उसमें इसके सबूत मिलते हैं। उस वक्त सल्फर बेस्ड कुछ ऐसे रसायन थे, केमिकल थे, जिनका इस्तेमाल लोग कीड़ों को मारने के लिए करते थे। ऋग्वेद में इस बात का जिक्र किया गया है कि 4,000 साल पहले भारत में कुछ जहरीले ऐसे पौधे थे, पेड़ पौधे थे, उनका पेस्ट बनाकर, उनका रस निकालकर कीड़ों को मारने के काम में लिया जाता था। लेकिन भारत में कीटनाशक केमिकल तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुए 1948 में, और इसका उत्पादन 1952 में शुरू हुआ। तो दोस्तों, केमिकल पेस्टिसाइड वो होते हैं जो रसायन से बनते हैं, केमिकल से बनते हैं। तो कौन से 7 ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड हैं भारत में जो इस वक्त किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जहरीले हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो उनकी हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं 7 ऐसे जहरीले पेस्टिसाइड के बारे में। दोस्तों, भारत में इस वक्त सरकार ने 7 ऐसे फॉर्मुलेशन की इजाज़त दे रखी है, यानी कि ऐसे 7 रासायनिक फॉर्मुलेशन है, तरीके हैं जिनको मिलाकर, जिनके इस्तेमाल से केमिकल पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं। वो दो तरह की दवाइयों को मिलाकर एक पेस्टिसाइड बनाया जाता है, या एक फॉर्मूले से एक पेस्टिसाइड बनाया जाता है। ऐसे 200 कॉम्बिनेशन पेस्टिसाइड हैं जो भारत में अवेलेबल हैं, और इनमें से 80 हैं यानी कि बायो पेस्टिसाइड है, इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है,
ज्यादातर इस्तेमाल दोस्तों केमिकल पेस्टिसाइड का होता है, इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्रोटोफॉस की। दोस्तों मोनोक्रोटोफॉस की जो स्मेल है ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। अगर कोई किसान सांस के जरिए इसकी स्मेल को अंदर लें तो भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग इंसेक्टिसाइड है, यानी कि मोनोक्रोटोफॉस है, ये बहुत तेजी से असर करता है कीड़े मकोड़ों पर। जो हमारी फसल में आप रस चूसक कीड़े हों या दूसरे कीड़े हों उनको बहुत जल्दी ये मारता है, लेकिन इसका असर इंसानों पर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल है दोस्तों वो कपास, गन्ना, तंबाकू, आलू, चाहे मूंगफली हो, टमाटर हो या सब्जियां दूसरी हो, तमाम तरह के जो हमारी फसलें हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं मोनोक्रोटोफॉस को, बीमारियों को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, ताकि हमारी फसल बचे। लेकिन दोस्तों मोनोक्रोटोफॉस के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब इसका आप छिड़काव करते हैं तो ये किसान पर असर कर जाती है। सांस के जरिए इसकी स्मेल जब अंदर जाती है बहुत देर तक, तो मोनोक्रोटोफॉस का असर किसान पर हो सकता है या जो श्रमिक खेत में पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है उस पर भी इसका असर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और मोनोक्रोटोफॉस वो जहरीला स्प्रे है, पेस्टिसाइड है, जिसके असर से हर साल भारत में हजारों की संख्या में किसानों की तबीयत खराब होती है और सैकड़ों किसान इसकी वजह से जान गंवाते हैं। लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत असरकारक है, इसलिए किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप किसान हैं और मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल बड़ा संभल कर करें और तमाम जो उपकरण होते हैं, जो सुरक्षा कवच है, उनको पहनकर इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत तेज असरकारक जहर है। इसके असर से आपका सर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आने लग सकते हैं, आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है और आपका जो सीने में दर्द हो सकता है, आपको पसीने आ सकते हैं, आपको उल्टियाँ आ सकती है, आपको बहुत सारी दूसरी जो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं, आप कोमा में भी जा सकते हैं और कई बार किसानों की मौत भी हो सकती है। दोस्तों अगर मोनोक्रोटोफॉस की 120 मिलीग्राम मात्रा शरीर के अंदर चली जाए, इंसानी शरीर के, तो उसकी जान जा सकती है, जानलेवा साबित हो सकता है। और दोस्तों दूसरा जो जहरीला तत्व है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पेस्टिसाइड है, वो है क्लोरोपाइरीफॉस मिथाइल। ये बहुत जहरीला है और ये जो पेस्टिसाइड है दोस्तों ये भी फसलों में कीड़े मकोड़ों से फसलों को बचाने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। ये जो फल छेदक या तना छेदक कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल किसान करते हैं और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको ये सुरक्षा देता है। लेकिन ये पेस्टिसाइड पशुओं के लिए और साथ ही इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है और ये बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मारने में सक्षम है। लेकिन अगर इंसान या किसान या कोई श्रमिक इसके संपर्क में आए तो उस पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और ये बहुत ही खतरनाक तरह का जहर है। तो दोस्तों अगर आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करें, तमाम सुरक्षा उपकरण पहनते हुए इसका इस्तेमाल करें और इसकी बहुत कम मात्रा का इस्तेमाल करें। और दोस्तों आपको बता दें कि क्लोरोपाइरीफॉस है वो बहुत जगहों पर इसको बैन किया गया है और इसको पहली बार 1966 में इसका डाओ केमिकल कंपनी है उसने इसका पेटेंट करवाया था, यानी कि ये 1966 से इस्तेमाल में होने वाला एक केमिकल है। तो इसके जहरीले असर बहुत ज़्यादा है, बहुत खतरनाक है इंसानों के लिए। और WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसके न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है वो बताए हैं। आप बता दें कि अगर लगातार इस दवा के संपर्क में कोई इंसान आता है तो उसको न्यूरोलॉजिकल तरह की इस दिक्कतें आ सकती है और इंसानी दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासतौर पर बच्चों पर। और दोस्तों जो क्लोरोपाइरीफॉस है वो इंग्लैंड और अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके बुरे असर सामने आए थे, लेकिन भारत में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आप भारत में इसका इस्तेमाल करते हैं और जो किसान या श्रमिक इसका छिड़काव करते हैं उस पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और दोस्तों तीसरा सबसे जहरीला कीटनाशक है फोरेट। फोरेट बहुत खतरनाक है, इसको अक्सर किसान ज़मीन पर छिड़कते हैं ताकि जो ज़मीनी तौर पर जो जड़ों में लगने वाले कीड़े हैं उनकी रोकथाम की जाए। लेकिन ये पक्षियों के लिए, मछलियों के लिए और जो दूसरे तरह के प्राणी हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है, चाहे ज़मीन में रहने वाले चूहे हों या दूसरे हों, प्राणी हों, उनके लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों फोरेट है वो इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भारत में सामने आए हैं जो फोरेट के जहर के असर में आने वाले किसानों की जान चली गई। इसलिए फोरेट है उसको आप इस्तेमाल बहुत संभल कर करें, इसका इस्तेमाल आप कम से कम करें या फिर इसको अवॉइड करें।
दोस्तों भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर फोरेट पर बैन लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो फोरेट का इस्तेमाल किसान करते हैं या चोरी छिपे इसका इस्तेमाल होता है। तो फोरेट बहुत खतरनाक तरह का जहर है, आप इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करें और हमारी तो ये सलाह है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों फोरेट है वो जमीन में रहने वाले मित्र कीटों के लिए बहुत खतरनाक है, जानलेवा है, इसलिए अगर आप फोरेट का इस्तेमाल ना करें तो ये बहुत बेहतर होगा। और दोस्तों चौथा जो सबसे जहरीला पदार्थ है वो है डिक्रोटोफॉस। ये ऐसा केमिकल है जिसको किसान फसलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत जहरीला है और ये पेस्टिसाइड है वो रस चूसक कीड़ों के लिए और जो दूसरे फल छेदक कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल चावल, कपास, कॉफ़ी, सेब और दूसरी फसलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो केमिकल है दोस्तों ये बहुत खतरनाक है इंसानी जीवन के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। और इसका सालाना इस्तेमाल है वो लगभग 5.5 लाख पाउंड एक साल में भारत में इस्तेमाल होता है। तो कितनी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये केमिकल है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल संभल कर करें, अगर ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और दोस्तों पांचवा जो खतरनाक पेस्टिसाइड है वो है प्रोफेनोफॉस। प्रोफेनोफॉस है, उसका इस्तेमाल भी लोग चावल, कपास, गन्ना, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनके लिए इस्तेमाल करते हैं, रस चूसक कीड़े और जो दूसरे फल छेदक कीड़े हैं उनकी रक्षा के लिए करते हैं। सब्जियों पर भी इसका इस्तेमाल होता है, मक्का पर इसका इस्तेमाल होता है, आलू पर इस्तेमाल होता है, सोयाबीन के किसान इसका इस्तेमाल करते हैं और शुगर बीट के किसान हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोफेनोफॉस है वो बहुत खतरनाक है, बहुत तीखा जहर है, इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अगर इसके असर में कोई किसान या श्रमिक आता है तो उसकी भी जान जा सकती है। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है इसको बहुत डैमेज करता है, इसलिए इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत संभल कर इस्तेमाल करें, अगर आप इसका इस्तेमाल अवॉइड कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। और छठा जो सबसे जहरीला पदार्थ है दोस्तों है मिथाइल पैराथियोन। ये एक पाउडर किस्म का है, इसका छिड़काव करते हैं किसान फसलों पर। मिथाइल पैराथियोन है ये एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल सॉलिड होता है जिसका इस्तेमाल किसान छिड़काव के रूप में करते हैं और इसको इंसेक्टिसाइड यानी कि रस चूसक कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए करते हैं। लेकिन मिथाइल पैराथियोन है ये बहुत ही खतरनाक है, ये सांस के जरिए इंसान के अंदर जा सकता है, सांस के जरिए जब अंदर जाता है तो ये बहुत बड़ा खतरा है, जानलेवा साबित हो सकता है और ये बहुत बार किसानों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या पूरी यूरोपियन यूनियन हो, वहाँ पर मिथाइल पैराथियोन का इस्तेमाल है वो बैन है, लेकिन भारत में किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। और मिथाइल पैराथियोन वो पेस्टिसाइड है दोस्तों जिसका इस्तेमाल भारत में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल भारत में बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए भारत के किसान अगर इसका इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना तो इसकी बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें और जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो आप बहुत सावधानी बरतें क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जहर है, जानलेवा है। दोस्तों जो सातवां पेस्टिसाइड है खतरनाक वो है फ्लोनिकेमिड। ये बहुत ही खतरनाक पेस्टिसाइड है, इसको एफिड और जो वाइट फ्लाइज है, सफ़ेद मक्खी है, उनको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, रस चूसक कीड़ों के लिए रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जहर भी बहुत तीखा है, बहुत खतरनाक है और ये भी मानव के लिए बहुत जहरीला है। अगर ये भी इंसानी शरीर में चले जाए या इंसान लगातार इसके संपर्क में आए तो बहुत सारी स्किन से जुड़ी बीमारियाँ हो सकती है, गले में दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके ज़्यादा देर तक संपर्क में रहे तो उसकी जान भी जा सकती है, तो इसका इस्तेमाल भी आप बहुत संभल कर करें। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि भारत में कौन से ऐसे खतरनाक पेस्टिसाइड है जो बैन है। डाइमथोएट है, ये भी बैन किया गया है। डिनोकैप, इसको बैन किया गया है। ड्यूरोन को बैन किया गया है। मेलाथियोन को बैन किया गया है। मेनकोजेब है, इसको बैन किया गया है। मेथोमाइल है, इसको बैन किया गया है। मोनोक्रोटोफॉस भी बैन है कई राज्यों में। इसी तरह से आपको पेंडीमेथालिन, ये भी बैन है। क्यूनोलफॉस को बैन किया गया है। सल्फ्यूरोन, इसको बैन किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे पेस्टिसाइड है दोस्तों, उनको भी बैन किया गया है, उनके नाम भी आपको बताते हैं। थियोडोकाब है, उसको बैन किया गया है। थियोफेनेट है, इथाइल, इसको बैन किया गया है। थायरम है, जिनेब है, ये वो पेस्टिसाइड है जिनको भारत में बैन किया गया है। आज के वक्त में इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये पेस्टिसाइड आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं? दोस्तों इसकी वजह यह है कि एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है, एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि केमिकल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से हर साल दुनिया में कैंसर रोगियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रही है, तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल
रोकना या फिर बहुत कम से कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में ये समस्या बहुत बढ़ सकती है और एक कैंसर भयानक बीमारी का रूप धारण कर सकती है, जो कि अब भी। और दोस्तों, जिस तरह से कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले वक्त में कैंसर महामारी का रूप ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल रोकना होगा, बहुत कम करना होगा। भारत में कितना पेस्टिसाइड हर साल यूज होता है ये आपको बताते हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर हर साल 39,948 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड कंज्यूम होता है। पंजाब दूसरे नंबर पर है 29,235 मेट्रिक टन, हरियाणा तीसरे नंबर पर है 21,908 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड हर साल कंज्यूम होता है, इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, यहाँ पर हर साल 16,480 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। राजस्थान पांचवें नंबर पर है, यहाँ पर 15,239 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और छठे नंबर पर है गुजरात, यहाँ पर 13,430 मेट्रिक टन कीटनाशक इस्तेमाल होता है। इसी तरह से तमिलनाडु है दोस्तों, वो 12,851 मेट्रिक टन इस्तेमाल के साथ सातवें नंबर पर है। तो ये टॉप सात राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। और पूरे भारत में हर साल 2,10,600 मेट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। सोचिए कितना बड़ा ये नंबर है, इतना केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है फसलों पर, सब्जियों पर, और इनको इंसान उपभोग करते हैं यानी कि खाते हैं, इनका सेवन करते हैं, तो ये केमिकल पेस्टिसाइड सब्जियों के जरिए या दूसरी फसलों के जरिए इंसानों तक पहुँच रहे हैं, और इनका असर भारत में देखने को मिला है कैंसर के रूप में। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि कौन से पेस्टिसाइड कितने खतरनाक और इनका खतरा कितना बढ़ा है। इसलिए जब भी आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ कर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इनके बुरे असर के बारे में जान सके। और फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर 860 कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।